हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक बनाएंगे। आप देख सकते हैं कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने सुंदर लग रहे हैं। और इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक फैब्रिक और एक लेस से हम ये खूबसूरत सी पोशाक बना सकते हैं। इसमें देखिए घेर भी बहुत अच्छी आती है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adiculturalworld268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने टफेटा सिल्क के फैब्रिक में से एक पीस ले लिया है। मुझे इस फैब्रिक का कलर बहुत ही खूबसूरत लगा, और ये जो टफेटा सिल्क का फैब्रिक होता है ना, इसमें शाइन भी होती है, तो अगर हम इसे सिंपल सी ड्रेस भी बनाते हैं तो वो भी हैवी लुक देती है। तो मैंने इसीलिए टफेटा सिल्क का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर आपके पास इसमें का फैब्रिक नहीं हो तो आप कॉटन, रेयन, बंगाली सिल्क, जो भी कपड़ा आपके पास हो उसे ये ड्रेस बहुत आसानी से बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अब हम इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई को मेज़र करेंगे। यहाँ किनारे से देखिए, हम मेज़र करना शुरू करेंगे इस तरीके से। ऐसे हम इसको मेज़र करते जाना है। देखिए, इसकी जो टोटल लंबाई है वो हमने 37.5 इंच यानी 37.5 इंच रखी है। आप 37 इंच भी रख सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 4 इंच यानी कि 4 इंच रखी है। ये देखिए, ये 1 पॉइंट कम है 4 इंच से, तो इसको हम 4 इंच ही मानेंगे। अब हमें इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और यहाँ नीचे से इसको डबल फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड करेंगे हम, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसके साथ ही साथ इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं यहाँ पर भी हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। हमने ये गोल्डन कलर की लेस ले ली है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है, और मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी गोल्डन कलर की लेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी कलर के फैब्रिक से ये ड्रेस बना रहे हैं उससे मैचिंग की लेस यूज़ कर लें। अब नीचे से जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर रखते हुए हमें ये लेस लगा लेनी है। लेस लगाने के बाद अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है और दोनों तरफ से पकड़ते हुए पहली प्लेट हम डालेंगे। जब हम प्लेट डालते हैं ना, तो हम दोनों तरफ से पकड़ के प्लेट डालते हैं, क्योंकि इससे देखिए बिल्कुल बराबर प्लेट पड़ती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। फिर से हम यहाँ पर दोनों तरफ से इसको पकड़ेंगे और प्लेट डालेंगे। इसके ऊपर हमें रखना है। आप देख सकते हैं हमने बहुत ही हल्की सी गैपिंग दी है और दोनों तरफ से प्लेट्स बिल्कुल बराबर भी पड़ी हैं। तो इसी तरीके से हमें बिल्कुल पतले पतले से और एकदम पास पास में एक के ऊपर एक रखते हुए ऐसे प्लेट्स डालते जाना है, और फिर यहाँ ऊपर की तरफ से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। प्लेट्स डालते हुए हमने देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई भी लगा ली है। ये जो टफेटा सिल्क का फैब्रिक होता है ना, ये थोड़ा सा कड़ा होता है, तो इसीलिए प्लेट्स डालने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ किनारे से हम सारी प्लेट्स को एक के ऊपर एक करते हुए बिल्कुल बराबर रख कर सेट कर लेंगे और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे, जिससे कि जो हमने ये प्लेट्स डाली हैं वो अच्छे से बैठ जाएंगी। प्रेस लगाने के बाद प्लेट्स अच्छे से सेट हो गई हैं। अब मैं आपको कमर का मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो कमर की यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो हमने 5 इंच यानी कि 5 इंच रखी है। अब हम कमर पे पट्टी जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट जॉइंट करने के लिए हमने एक पीस कट कर लिया है, यही टफेटा सिल्क के फैब्रिक में से। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो हमने 6 इंच यानी कि 6 इंच रखी है, और इसकी जो लंबाई है वो हमने 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच रखी है। अब हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कमर की जितनी चौड़ाई होगी टोटल, उससे 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई हमें पट्टी की रखनी है। यानी कि कमर की चौड़ाई हमने 5 इंच रखी थी, तो उसमें 1 इंच ऐड करके हमें कमर की चौड़ाई 6 इंच रखी है। अब हमें इन दोनों तरफ से इसको डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से जब हम इस पर डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे ना, तो ये जो कमर का मेज़रमेंट था और इसकी चौड़ाई का मेज़रमेंट दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ किनारे से कमर पे इसको रखेंगे और सिलाई लगाते हुए इसको लास्ट तक जॉइंट कर लेंगे।
कमर पे बेल्ट जॉइंट करने के बाद अब हमें इसको ऊपर करते हुए रखना है और स्कर्ट को पलटकर पीछे की तरफ से रख लेना है। अब ये जो हमने बेल्ट जॉइंट किया है इसको हम ऊपर से पतला सा फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और हम बीच से चौड़ा सा फोल्ड करेंगे और ये जो हमने देखिए प्लेट्स डाली हुई हैं इसके ऊपर रखना है हमें और सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। सिलाई लगाते समय हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम बिल्कुल नीचे से सिलाई लगाकर बेल्ट जॉइंट करेंगे, क्योंकि हमें इसमें डोरी डालनी है, तो अगर हम बीच से इसको सिलाई लगा देंगे तो डोरी डालने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हमें बिल्कुल नीचे से सिलाई लगानी है। बेल्ट जॉइंट करने के बाद अब हम इसमें डोरी डालेंगे, तो हमने गोल्डन कलर की डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप शॉर्टन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। अब हमने ये सुई धागा ले लिया है, इसमें डबल करके धागा डाला है जिससे कि मजबूती आएगी। यहाँ किनारे से हमें डोरी को लॉक कर लेना है और सुई को पीछे की तरफ से हमें बेल्ट के अंदर डालना है और इधर की तरफ से निकाल लेना है। सुई निकालने के बाद अब हम धागे को खींचेंगे, फिर इधर से डोरी को देखिए हल्का सा हमें अंदर की तरफ डालना है, बहुत ही थोड़ा सा। फिर जब हम इधर से धागा खींचेंगे तो डोरी अपने आप निकल जाएगी। तो आपने देखा कि डोरी डालना कितना आसान है। इस तरीके से कितनी भी ज़्यादा पतली पट्टी हो आप उसके अंदर डोरी बहुत आसानी से डाल सकते हैं। अब स्कर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने फिर से टपेटा सिल्क के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो हमने 9 इंचेस यानी कि 9 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। अब हम इसको एक बार ऊपर से पतला सा फोल्ड करेंगे, फिर एक बार हम नीचे से भी पतला सा फोल्ड कर लेंगे। अब इसको बीच में से बिल्कुल बराबर करते हुए फोल्ड करना है और एक के ऊपर एक रखेंगे हम। यहाँ से सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें फिर से ये गोल्डन कलर की लेस लेनी है जो कि हमने ड्रेस में लगाई थी। इसको जिधर से हमने सिलाई लगाई थी उधर की तरफ से रखते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। लेस लगाने के बाद अब हमें इसको बीच में से बिल्कुल बराबर करते हुए फोल्ड करना है और यहाँ सेंटर से कट करके 2 पीसेस में डिवाइड कर देना है। 2 पीसेस में कट करने के बाद अब हमें इसको एक के ऊपर एक करते हुए रखना है और यहाँ सेंटर में 1 इंच ऊपर तक इसको सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ से दोनों पीसेस में हमें इसको पलटकर पीछे से इसमें डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है जिससे कि ये यहीं पर लॉक हो जाएगा, कपड़ा निकलेगा नहीं और चोली खराब नहीं होगी। अब चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। हम स्कर्ट ले लेंगे और यहाँ सेंटर में रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको हमें जॉइंट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।